कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले को लेकर और असम के ही एक मंदिर में राहुल गांधी को जाने से रोके जाने से नाराज कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा पूरे देश में अपना विरोध जताया जा रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जवाहर भवन के सामने कांग्रेस ने मौन धरना दिया और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। देखिए यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कांग्रेस के कई विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक यह मौन धरना चला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा और भाजपा की सरकार के द्वारा मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने के लिए यह हिटलरशाही की जा रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हमला किया गया। सबसे ज्यादा इस देश में आज है 45 साल की सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश 2,45,000 करोड़ रुपए का 200,45,000 करोड़ रुपए का आज है। अद्भुत महंगाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत हनन है और सबसे बड़ी बात की देश में अन्याय की पराकाष्ठा ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है, आम जन को भरोसा नहीं हो रहा है। ईवीएम को लेकर देश में प्रश्न चिन्ह बड़ी तादाद में उठ रहे हैं, जगह जगह आंदोलन और कोर्ट में हजारों की तादाद में एप्लीकेशन इसके खिलाफ लगी हुई है। इन सब भावनाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने 110 जिलों से 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू की। कांग्रेस के मौन धरने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह कैसा राम राज्य, एक और राम मंदिर को लेकर कहा जाता है जो जहां है वहां उसे मंदिर में पूजा करे। राहुल गांधी असम में पूजन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। देश में चल रहे इसी अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उन सभी लोगों को आमंत्रित किया था जो वहां उपस्थित हो गए अयोध्या जी में, जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था उनसे कहा था आप जहाँ हैं वहाँ मंदिर में जाइए। असम में यात्रा के समय राहुल गांधी जी मंदिर में जाना चाहते थे, जो असम के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, जिन्होंने कि वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप असम में दिया और जो कि सर्वमान्य असम के लोगों के गुरु माने जाते हैं संत शंकरदेव जी महाराज, उनके मंदिर में जाने का उन्होंने पहल की, उन्हें क्यों रोक दिया गया इसका उत्तर न भाजपा के पास है, न भाजपा के मुख्यमंत्री के पास है, न प्रधानमंत्री जी के पास है। रामराज की बात करते हैं, ये यही रामराज है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब गांधी नहीं सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर चलना होगा। लोकतंत्र को खत्म करने की सारी सूझनीत चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत छोड़ो यात्रा को रोका, मैं तो आज कहना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं कहना चाहूँगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए हैं, हिटलर शाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में खत्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले को लेकर और असम के ही एक मंदिर में राहुल गांधी को जाने से रोके जाने से नाराज कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा पूरे देश में अपना विरोध जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।